Hey, what's up guys, welcome back to another video. I'm Sandeep Singh and you're watching Into Game Vlogs. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि केप ब्रेटन की जैसे केप ब्रेटन इंडस्ट्री में राइट नाउ जो भी स्टूडेंट्स आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जिनका वीजा लग चुका है, उनके हर एक के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर है कि भाई यहाँ पे करंटली जॉब्स का क्या सीन है और अकोमोडेशन यहाँ पे इजिली मिल सकती है या नहीं. सो यही सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे. तो आज जो मैं वीडियो बना के थोड़ा सा बाहर आया था क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं पहले जो भी वीडियोस में जाता बनाता हूँ मैं घर के बाहर ही घर के अंदर ही बैठ के बनाता हूँ और या फिर कार में बैठ के बना लेता हूँ. और मेरे जो अपने फ्रेंड्स है या फिर कह लो कि जो मेरे को ऑलरेडी यूट्यूब पे या फॉलो करते हैं उनके मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मुझे थोड़ा सा बाहर निकल के ही बनानी चाहिए वीडियो. सो ठीक है, मैंने आज सोचा कि आज वीडियो थोड़ा सा बाहर निकल के बनाई जाए. यहाँ पे मैं पार्क में आया था तो ठीक है, आपका अगर 1% भी अगर आपका यहाँ पे कैब्रिड यूनिवर्सिटी में आने का प्लान है या फिर आपका वीजा लग चुका है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. तो ठीक है, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो आगे शेयर भी करना. सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ. जो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब्स की क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जो आता है सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे जॉब्स इजीली मिल पाएगी या नहीं. तो जो राइट नाउ जो सिडनी में या फिर कह लें कि केप ब्रेटन में जो सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ पे जैसे जो प्रीवियस इनटेक था उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे, सो इस करके यहाँ पे करंटली जॉब्स मिलना डिफिकल्ट हुआ हुआ है. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप सबको डराना नहीं चाहता है क्या के, बट ये करंटली रियलिटी है. और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं जो कि मेरी वीडियो को राइट नाउ देख रहे हैं, मैं उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे कमेंट करके आप भी बता सकते हैं यहाँ पे करंट सिनेरियो. बाकी मैं भी जैसे अभी रिसेंटली तो मैं हैलिफैक्स से मूव हो गया था, तो मैं अभी केप ब्रेटन में अभी गया था तो वहाँ पे भी मैं कुछ स्टूडेंट्स से मिला था. और जैसे जो मेरे फ्रेंड्स कहीं अभी वहाँ पे रहते हैं उन्होंने ही मेरे को बताया था कि वहाँ पे इस टाइम पे जॉब्स मिलनी डिफिकल्ट हुई है क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा हुए हुए हैं. और अगर बात करें अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन भी वहाँ पे राइट नाउ डिफिकल्ट है क्योंकि बात वही है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे और आ तो रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे जो कह सकते हैं कि घर या फिर कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस हिसाब से अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक जगह जब कोई एरिया डेवलप होता है. सो इस करके वही है कि जो यहाँ पे पहले के जो घर थे अब वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए हैं, तो इस करके जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है. जैसे जो होम ओनर्स है उन्होंने रेंट इंक्रीज कर दिया है और जो एक एक जो जो पहले की कह सकते हैं जो पहले एक रूम में $400 में प्राइवेट रूम मिल जाता था, वही अगर अब हम प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो उसके हमें $600 के अराउंड देने पड़ रहे हैं. तो यही है कि वहाँ पे अकोमोडेशन का भी राइट नाउ डिफिकल्ट हुआ हुआ है. और जॉब्स का तो आपको पता ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही है क्योंकि आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी सबने कि जब हमारे को सीबीयू से हमारे को ऑफर लेटर आता है उसमें भी सीबीयू ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जॉब्स का जो सिनेरियो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बाकी ये वीडियो में आपको कोई ऐसे नहीं डराना नहीं चाहता कि यहाँ पे भाई बिल्कुल नहीं है. अगर हम रियली अगर हम मैं कहूँ कि अगर हम ट्राई करते रहें कंटिन्यूअसली है ना, जैसे अगर हमने कहीं पे हमने जॉब अप्लाई करी है हम फॉलो अप के लिए जा रहे हैं वहाँ पे या फिर कह लो कि हम कंटिन्यूअसली हम अप्लाई करते रहें अगर इंडीड पे और भी जो जॉब्स जॉब लिस्टिंग वेबसाइट है अगर हम वहाँ पे कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहेंगे तो मिल भी जाती है. कई स्टूडेंट्स हैं जिनको विद इन अ वीक भी मिली है जॉब, कईयों को 2-3 महीने के बाद भी मिली है और कईयों को जो स्टिल है अभी भी ढूंढ रहे हैं वो जॉब्स का. तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको डरा रहा हूँ यहाँ पे, बट जो करेंटली जो रियलिटी है वो ये है कि अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो 100 के 100 ये नहीं कह सकते कि हमारे को जॉब्स मिल जाएगी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे राइट नाउ जॉब्स का थोड़ा डिफिकल्ट ही है. और जो अकोमोडेशन का तो है ही है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ. और बाकी हाँ, अगर आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है अभी तक, अगर मान लो आपके माइंड में अभी चल रहा है कि हाँ मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है नोवा स्कोशिया में, है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे पीआर के रूल थोड़े से इजी है नोवा स्कोशिया के एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस. सो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने की सोच रहे हो आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है तो आप हैलीफैक्स साइड भी देख सकते हो. जैसे यहाँ पे डलहौजी यूनिवर्सिटी है और सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे और भी जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप जॉब्स के बारे में जॉब्स यहाँ पे मिल जाती है इजिली इस एरिया में और यहाँ पे आप प्रोग्राम वगैरह सर्च कर सकते हो. बाकी मैं इस बारे में तो श्योर नहीं हूँ कि जो और जैसे डलहौजी यूनिवर्सिटी तो शायद आती है SDS जो कैटेगरी है उसके अंदर, बाकी और जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है उनके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ कि वो SDS के अंदर आते हैं या नहीं. बाकी वो आप अपने रिसर्च करके ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि क्या उसमें और यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस है यहाँ पे नोवा स्कोशिया में उनमें स्टडी करने के बाद आप वर्क परमिट के एलिजिबल हैं या नहीं, वो आप अपना ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं.
बाकी यही है, अगर आपका ऑलरेडी वीजा यहाँ से आ चुका है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आ गया है तो बट अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे आके अपना बस अपना बढ़िया रेज्यूमे तैयार करें। और यहाँ पे कनाडा में ये होता है जैसे कि रेफरेंस के बेस पे ज्यादातर जॉब्स वगैरह मिलती है। तो अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है ऑलरेडी वो कहीं पे काम कर रहा है, लेट्स से कि मैकडोनल्ड्स या फिर टिम होर्टन्स या फिर कहीं पे भी कोई काम कर रहा है आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे, तो उसको कहो कि वो आपको रेफर करे सेम पोजीशन के लिए, है ना, ताकि आप भी वहाँ पे जॉब लग सको। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जॉब्स होती है कि जो रेफरेंस बेस्ड मिल जाती है, या फिर होता है कि अगर आपका रेज्यूमे बहुत बढ़िया है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, उसके बेसिस पे मिल जाती है। बाकी यही है, आप सब अगर ट्राई करते रहोगे तो मिल भी जाती है जॉब्स, बट राइट नाउ यहाँ पे जॉब्स एंड अकोमोडेशन का डिफिकल्ट है। और बाकी यही है आज की वीडियो में, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो है वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में तो फिर ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करने लग गया। और ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट या सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और होपफुली आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। और हो सकता है कि एक दो चीजें जो मैंने मिस कर दिया वो मैं आपको अपनी इंस्टा स्टोरी में जाके अपलोड करके आपको अपडेटेड रखूंगा वहां पे। सो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो इसको लाइक कर देना, और अगर ये बेकार लगे तो एज यूजुअल डिसलाइक कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या चीज बढ़िया नहीं लगी, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूं। और आपका कोई भी अगर सजेशन है ना नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और मैं फिर ट्राई करूंगा कि उससे रिलेटेड वीडियो बनाए। सो या मुझे इस बारे में फीडबैक देना कि जैसे अभी आज मैंने ये वीडियो बाहर बैठ के बनाई है, हो सकता है थोड़ी साउंड यहाँ पे थोड़ा सा विंडी है एरिया, थोड़ा हो सकता है थोड़ा साउंड थोड़ा सा खराब आ रहा हो। बाकी मुझे बताना कि अगर आपको ऐसी अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी फ्यूचर में ही वीडियोज बनाऊँ। सो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड।